हे गाइस, दिस इज एजुअल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th है या बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स में आप कैसे 95% ला सकते हो, इवन 100% ला सकते हो। ओके, तो ये वीडियो कोई भी कॉम्पिटेटिव नीट जेई या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में नहीं है, ये बस बोर्ड्स के बारे में है। ठीक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कि आज तक के आपके छठवीं में कितने आए, सातवीं में कितने आए, आठवीं, नौवीं, ठीक है, दसवीं, ग्यारहवीं, जो भी है क्लास में कितने, मतलब आपके कम नंबर आज तक के आते रहे हैं। ठीक, और आप कितने मतलब फेलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कितने एवरेज स्टूडेंट हो, ये कुछ लेना देना नहीं है इससे। ओके, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिस पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो, इवन आप फॉलो क्या कर लेते हो, मैंने जितने भी टॉपर्स से बात किया, ठीक है, जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जितने भी मतलब जो बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके और बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करते हैं। ओके, इवन मैं पर्सनली गाइज मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। अभी आप देखना, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो वो सारे आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और जब ख़त्म होते होते वीडियो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देख लेना कि आप इजीली मतलब आप खुद कहोगे यस आई कैन डू, आई कैन स्कोर इवन 95% इवन 100%, जो 499 आउट ऑफ 500, 500 आउट ऑफ 500 लोग जो लोग लाते हैं, ऐसा फील आपके अंदर से आने लगेगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो लास्ट तक देखना, और जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा गाइस उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और लास्ट में मैं सबका समरी भी कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है गाइज वो है सेलेबस। ठीक है, सेलेबस ये हर जगह कॉमन होगा, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, आप क्या समझते हो कि यार स्कूल में तो चलो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हो रही है, चलो कोचिंग में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टीचर सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ओके, और इसके वजह से आप क्या करते हो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ऐसा फील होता है यार ये क्या, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक ऐसा आप बाइकआउट कर देते हो या मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आपको इसका खामियाजा आपके लास्ट के एग्जाम में भोगना पड़ता है। तो इसकी ये सब सारी चीज़ें गलतियाँ ना हो, और पहला ये डिस्क्लेमर इस वीडियो का और आपके प्रिपरेशन का ये भी है कि पूरे साल किसी पे डिपेंड मत रहना, ना ही अपने स्कूल के टीचर पे, ना ही अपने कोचिंग के टीचर पे, ना ही किसी के भी, जो भी करना तुम्हें खुद करना है और अपने आप पे ही सब कुछ रखना। ठीक है, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस प्रिंट आउट करो आज ही, राइट नाउ जाओ मार्केट और सिलेबस को सारा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, इंग्लिश, फिजिकल का भी तक सिलेबस अपने कितना पेज का, अगर एक पेज से तो ज़्यादा नहीं हुआ, 5 सब्जेक्ट है, 5 पेपर, दैट्स इट, 5 से 7 पेपर में पूरा सिलेबस निकल जाएगा उसका। ओके, और सिलेबस को क्या करो, अगर 5 सब्जेक्ट है तो बेसिकली 5 पेज लगेंगे अपने दीवार के सामने, या तो अगर एरिया है तो चिपका लो 5ों सिलेबस। ठीक है, या अगर नहीं चिपका सकते हो तो उसको अपने स्टडी टेबल पे अपने फ्रंट पास रखना, जब भी कोई चैप्टर पढ़ना, सपोज करो ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर में पहले उसका सिलेबस देख लेना, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़ना, फिर उसमें क्रॉस कर देना ऐसे कि हाँ ये ख़त्म कर चुका हूँ। इससे क्या होगा कि यार आपको मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से कवर कर दिया है। ओके, तो ये है सिलेबस प्रिंट आउट करके, मैं भी इसी मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस ही पहला की होता है, तो सिलेबस को प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी में, यानी कि फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, वो कुछ नहीं होता है, हार्ड कॉपी निकलवाओ, अपने स्टडी टेबल पर रखो या अपने वॉल पर चिपकाओ। ओके, और उसके बाद से नेक्स्ट ऑन मूव ऑन। ठीक है, उसके बाद से गाइस दूसरा जो है वो है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्यों, क्योंकि देखो आप कोई नीट जेई या कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी नहीं कर रहे, ये बेसिकली बस बोर्ड्स है, बोर्ड्स को मैं फोकस करके चल रहा हूँ, या 10th बोर्ड्स हो सकता है, 12th बोर्ड्स हो सकता है, या कोई भी बोर्ड्स हो सकता है, जो भी बोर्ड है, तो आप जो भी ये बुक फॉलो होते हैं वहाँ के बुक उठा सकते हो आप। तो एनसीईआरटी एकदम एनफ है, बाइबल, पिछले 3 साल से सीबीएसई एनसीईआरटी पे ऐसा लग रहा है ना कि बिस्तर उस्तर लगा के सो गई है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे एनसीईआरटी के पॉइंट कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे एनसीईआरटी से कट कर रहे हैं, सब पेस्ट कर दे रहे हैं सब। अभी हाल ही में टर्म 2 का एग्जाम हुआ है, आप जाके देखो 70-80% गाइस 80% क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से थे, 20% बस जो थोड़ा से क्रॉस मतलब जो हुए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी पूरा फॉलो करोगे तो इससे ये होगा कि आप सिलेबस को भी फॉलो करते जा रहे हो और आपका पूरा एनसीईआरटी टू द पॉइंट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर यार पेपर ही कॉपी आपके एनसीईआरटी से सेट करता है, तो एक्स्ट्रा बुक लेने की तो जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा बुक लोगे तो भटक जाओगे और एनसीईआरटी लोगे तो एकदम टू द पॉइंट चलोगे सीबीएसई के। ठीक है, तो पहला सिलेबस को प्रिंट आउट करो, दूसरा आपका ये
एनसीईआरटी एकदम बाइबल की तरह है, जैसे कुरान भगवत गीता होता है ना, ऐसा आपका एनसीईआरटी हो गया है अब। ओके, तो एनसीईआरटी को मस्ट फॉलो। नेक्स्ट है गाइस तीसरा कि सिलेबस का ब्रेकअप। अब देखो क्या होता है कि जब आप किसी के साथ एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका उससे ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या झगड़ा हो गया, आप किसी के दोस्त, आप दोस्त किसी दोस्त के साथ, उसके साथ झगड़ा हो गया, तो आप क्या करते हो? दो चीज़ होता है, या तो आप एकदम टूट जाते हो या उस चीज़ को तोड़ देते हो। तो ये ना पढ़ाई है, यहाँ पे टूटता नहीं है, यहाँ पे लोग तोड़ देते हैं। तो सिलेबस को अगर क्या करोगे ना, मतलब अगर इतना बड़ा सिलेबस, एक तो देखते ही हो ट्वेल्थ का सिलेबस कितना बड़ा होता है, तो उसको क्या करो, डेली मतलब बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे तोड़ दो कि मुझे इस हफ्ते में ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से दो दो चैप्टर ख़त्म करने हैं, कैसे भी करके ख़त्म करना है। या फिर इस मंथ में अगर 28 दिन का मंथ है तो चार चार दिन भी अगर मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा सारे सब्जेक्ट से, तो पाँच सब्जेक्ट से अगर तुम एक एक चैप्टर चार चार दिन भी पढ़ोगे तब भी जाके तुम्हारा दो दो तीन तीन चैप्टर हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाओ कि इस सब्जेक्ट में इस महीने में मुझे एक से दो चैप्टर एटलीस्ट ख़त्म कर देने ही कर देने, ठीक है। आप गोल डेली बेसिस पे सेट करना, क्योंकि ये मंथली और वीकली कभी नहीं फॉलो होता है। ओके, डेली बेसिस पे सेट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप फॉलो कर लोगे और वो स्ट्रेटजी फॉलो भी हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश यही करना कि अपना स्ट्रेटजी डेली बेसिस पे बनाना, इससे ये होगा क्योंकि टाल नहीं पाओगे, आज का काम है आज ही करते हैं, डू इट नाउ। ओके, क्योंकि देखो या मंथली बना दोगे तो कहोगे यार अभी एक महीने में तो 7 दिन है 8 दिन है, हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, जो भी स्ट्रेटजी बनाओ आज का बनाओ। आज सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स का उठा रहे हो तो आज कूलम्स लॉ को निपटाना ही निपटाना है, चाहे कैसे भी हो जाए। 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स खोल रहे हो तो कार्बन के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी पढ़नी ही पढ़नी है। केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो तो सॉलिड का सारा प्रॉपर्टी खत्म करना ही करना है। बायो से पढ़ रहे हो तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की सारे एसेक्सुअल एसेक्सुअल कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डेली बेसिस पे टारगेट लेके चलोगे तो वो कंप्लीट होता चलेगा। ओके, तो तीन चीज़ें हो गई, सिलेबस प्रिंट आउट, दूसरा एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तीसरा कि डेली बेसिस के गोल सेट करो। गोल जब तक सेट नहीं करोगे ना तब तक ऐसे गधों की तरह गधों की भीड़ में चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो ना रास्ता पता है ना मंजिल पता है, बस चलते जा रहे हो। तो ये ऐसे क्लैरिटी लाओ थोड़े काम में। ओके, नेक्स्ट गाइज, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज फ्रॉम बिगनिंग मंत्रा फॉर टॉपर्स। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना ये बहुत चलाक होते हैं, ठीक, ये दिखाते हैं ऐसे हैं कि ये कुछ नहीं पढ़ते होते, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो लास्ट में एकदम ऐसा तूफान की तरह बरसते हैं। कैसे, इनका सीक्रेट पता है तुमको? मैं आपको आज बता रहा हूँ गाइस, इनका सीक्रेट यही है ना कि ये इतने होशियार होते हैं कि ये स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज खरीदते हैं। आप लोग क्या करोगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगा लोगे, तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हज़ारों क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा पड़े हुए हैं लगा लोगे, कुछ पता नहीं चला कौन कहां से आया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चैप्टर वाइज लगाते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लिए, ठीक है, या सॉलिड डिजिट पढ़ लिए, या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, या मैथमेटिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ लिए। ओके, तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर, ना कि पूरे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर ये स्टार्टिंग से ही करते आते हैं। और स्टार्टिंग से जब करते आते हैं तो हर चैप्टर पे इनका बहुत ही तगड़ा ग्रिप बन जाता है, और तगड़ा ग्रिप बन जाता है तो बस इनको रिवाइज करना होता है। प्रैक्टिस ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जैसे लास्ट मोमेंट में आते हैं बस रिवाइज करते हैं और बस फाड़ के रख देते हैं। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से ही आप चैप्टर वाइज बिगनिंग से ही लगाना शुरू कर दो, मतलब जब जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हुआ उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो अभी से ही। क्योंकि आपको लगता होगा कि ये तो मतलब पेपर अप्रैल मई में होगा, फरवरी मार्च अप्रैल में होगा, तो बहुत दिन है, कुछ नहीं है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास बस 8 मंथ बचे हैं, और 8 तरीके 24 240 दिन आपके पास बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, 240 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और सिलेबस भी तो देखो कितना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो और उसके बाद से चैप्टर वाइज आराम से आज से ही करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। किसी भी कंपनी का चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आप अच्छे से बुक ले लेना, चैप्टर वाइज लेना सारे सब्जेक्ट के। ओके, उसके बाद गाइस योर ओन प्रॉपर नोट्स फ्रॉम बिगनिंग। मैं कह रहा हूँ ना, आप किसी पे डिपेंड मत होना कि मतलब ये कुछ करके आपको दे देगा या वहाँ से आपको कुछ करके मिल जाएगा, नहीं, आप अपना नोट्स खुद बनाना, खुद पढ़ना, मतलब जहाँ आप कोचिंग में पढ़ते हो कोचिंग में, या अपने टीचर से पढ़ते हो टीचर से पढ़ लेना, और अपने नोट्स खुद बनाना, मतलब अपने लैंग्वेज में, दूसरे के लैंग्वेज वो किस तरह से बनाया है, वो कौन से पॉइंट्स डाला है, आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने नोट्स स्टार्टिंग से ही
खुद से बनाना, और एक स्कूल की कॉपी अलग होती है, ठीक है, ऐसे ही एक अपनी पर्सनल, जैसे मान लो फिजिक्स की कॉपी स्कूल की अलग हो गई, तो एक अपनी पर्सनल फिजिक्स की कॉपी अलग से बना लेना, ओके, जिसमें तुम अपने अकॉर्डिंग सारे नोट्स बना सको, सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन कर सको, ठीक है। तो योर ओन प्रॉपर नोट्स फ्रॉम बिगनिंग, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, ये दूसरा सीक्रेट। पहला सीक्रेट गाइज टॉपर्स का कि वो स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, दूसरा सीक्रेट कि वो सारे सब्जेक्ट पे सेम अटेंशन देते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस हो गया, हिंदी हो गया, फिजिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होती हैं, मतलब जो मेन सब्जेक्ट होती है वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाई या पीसीएम बी या पीसीएम, तो ये सब्जेक्ट पे सब कोई फोकस करता है, यार मेरा फिजिक्स कमजोर है, मैं फिजिक्स पे दिन भर बैठा रहूँगा, केमिस्ट्री कमजोर है केमिस्ट्री पे बैठा रहूँगा, बायो या मैथ पे बैठा रहूँगा, पर आप पता है इंग्लिश फिजिकल ये सारे हिंदी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट छोड़ देते हो लास्ट के लिए, या चलो लास्ट में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लास्ट में आप पढ़ के 70, 80, 87 नंबर, 80 to 90 नंबर ला दोगे, एनफ है आपके लिए, आई नो एनफ है, लेकिन अगर हफ्ते में या हफ्ते में एक दिन दो दिन या रोज के बेसिस पे अगर 10 मिनट भी अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए इंग्लिश फिजिकल, क्योंकि ये आपका 200 नंबर देता है, ठीक है, और आप 6 नंबर के 1% अगर मिलाओ तो डिवाइड कर लो कितना परसेंटेज आपका होगा, अगर 12 अगर सपोज करो कि अगर 97, 96 अगर इंग्लिश में ला लिए, फिजिकल में आप 100 में 100 ला सकते हो अगर आप रोज एक एक दिन 10-10 मिनट भी पढ़ते हो तो, ठीक है, तो इसका बेनिफिट ही आपको लास्ट में मिलेगा, ओके। तो कोई भी सब्जेक्ट को मतलब हल्के में ना लो कि इंग्लिश है लास्ट में पढ़ लेंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस दो जितना फिजिक्स को देते हो, मत उतना दो, 10 मिनट भी एटलीस्ट रेगुलर उसको क्लास करो, मतलब बुक खोल के देख लो, लास्ट मोमेंट में बस रिवाइज करना होगा, आराम से कवर हो जाएगा। तो ये था गाइस अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, ये भी टॉपर का सीक्रेट होता है, वो बताते नहीं हैं पर करते हैं वो, ठीक है, बताता कोई नहीं मगर करते सब हैं, ठीक है, जो टॉपर होते हैं। उसके बाद से रेगुलर रिविजन, ठीक, शॉर्ट नोट्स आपके, जैसे मान लो आप अपना यहाँ पे पांचवें पॉइंट में योर ओन प्रॉपर नोट्स बने, आपके खुद के प्रॉपर नोट्स बन गए, ठीक, अब उसमें से क्या किए ना कि शॉर्ट नोट बना लिए 3 से 4 पेज में, और रेगुलर रिविजन मतलब देखो यार आप देखो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगर किसी भी चीज़ को आप 8 से 10 बार देखते हो तो वो कितना भी टफ हो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ओके। तो आप रेगुलर रिवीजन अगर करते हो उस चीज़ का, तो बोर्ड अभी 240 दिन है, ठीक है, उस 240 दिन में अगर आप 10 दिन 12 दिन रेगुलर एक एक चीज़ को रिवाइज करते हो तो ईजिली आपको ऐसे ही हट जाएगा वो, तो ये है फ़ायदा रिवीजन का, तो शॉर्ट नोट बना के अपने ही रिवीजन करना अपने ही नोट से, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज 8 पॉइंट, मतलब 8 पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको ये सातों का बता देना चाहूँगा, एक बार समाप्त कर देता हूँ। सिलेबस का प्रिंट आउट आज ही निकलवाओ, ठीक है, एनसीईआरटी नो बस पढ़ना है आपको, कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ करनी है, एनसीईआरटी आपका बाइबल है, और रेफरेंस बुक से जो 10-20% जो क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं वो पता है कहाँ से कवर होंगे, वो यहाँ से कवर होंगे, अभी बता रहा हूँ कहाँ से। तीसरा, सिलेबस का ब्रेकअप करना है डेली बेसिस पे, मंथली वीकली नहीं, डेली आज का टारगेट सेट करो, एक ही टॉपिक पढ़ो, कट मारो कि हाँ मेरा ये टॉपिक एकदम गंदे तरीके से अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, ओके। नेक्स्ट गाइज प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज फ्रॉम बिगिनिंग, चैप्टर वाइज से यहीं से वो आपके 10-20% जो एक्स्ट्रा जो बाउंसर क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, तो एनसीईआरटी एकदम एनफ है, और चैप्टर वाइज आपका एनफ है, ओसवाल की ले लो, अरिहंत की ले लो, एग्जाम आइडिया की ले लो, किसी भी का ले लो, वो चैप्टर वाइज लेना, ओके। नेक्स्ट, अपना खुद का नोट्स बनाना, किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि वो मुझे नोट्स देगा चाहे यहाँ से वहाँ से, खुद का नोट्स बनाना, ओके, अलग कॉपी रहना चाहिए सारे सब्जेक्ट की। अटेंशन टू इंग्लिश फिजिकल को भी और या हिंदी कंप्यूटर, इन लोगों को भी भाई ये अपने ही मान के चलना, और रोज़ एटलीस्ट 10 से 15 मिनट इनको दे देना, ठीक है, ये आपको 90+95 से ज़्यादा दिला के जाएंगे। प्लस रेगुलर रिवीजन भाई 10 मिनट 15 मिनट ही एटलीस्ट एक बार झांक लेना, रेगुलर रिवाइज करते रहना ताकि सारी चीज़ें आपको याद हो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ठीक है, ये बहुत काम करती हैं। तो ये आपके 7 पॉइंट हैं, या तो अगर आप एकदम सीरियस हो कि 95+ या अच्छे नंबर लाने हैं आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में या 8, 9, 10 कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर 95% से ज़्यादा लाना चाहते हो तो या तो ये 7 पॉइंट फॉलो कर लेना, ठीक, कहीं भी जाओ यहीं आपको यही 7 पॉइंट्स बेसिकली कोई भी समझाएगा, या तो ये 7 पॉइंट्स फॉलो कर लेना या फिर ये 7 को छोड़ देना, ठीक है, ये 7 को छोड़ देना। और 8 तक गाइस डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन में घर, दोस्त, प्यार और मोबाइल गेम्स, तो या तो इन 7 चीज़ों को छोड़ देना और 8वां ले मतलब अपना लेना, ठीक है, घर में क्या चल रहा है, घर का ये काम है, घर का वो काम है वो कर लेना, प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेट करना, घूमना अच्छे से, ठीक है, या फिर दोस्त हैं फिर पार्टी वार्टी बर्थडे सड्डे जो भी है अच्छे से सेलिब्रेट करना, और या फिर जो भी
ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो मोबाइल गेम पबजी तो वैसे डिलीट हो गया, फ्री फायर पता नहीं है कि नहीं, मतलब जो भी गेम है वो कर लेना। तो एक साल अगर अपने आप को अगर आप टाइम दिए ये सब सारी, ये आठवां चीज़ बस छोड़ दिए तो ये सातों आपसे आसानी से आप कर पाओगे, या फिर ये सातों छोड़ोगे तो आठवां हो पाएगा। तो मतलब अब या तो ये सात करो या एक करो, ये सात आपके फ्यूचर बना देगा और ये आठवां आपका फ्यूचर बिगाड़ देगा। ट्वेल्थ का परसेंटेज इतना मैटर करता है कि मतलब पता है, मतलब जैसे मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब देखो यार मैं एज अ मतलब एजुकेटर मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये पता है क्या है, कॉन्फिडेंस देता है पढ़ने में कि हाँ यार मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए थे, मैं आगे और मेहनत कर सकता हूँ। या फिर कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, परसेंटेज अगर आपके अच्छे हैं तो अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो बेसिकली कहीं कहीं परसेंटेज का फायदा होता है, लेकिन परसेंटेज सब कुछ नहीं होता। पर आपके पास पापा मम्मी इतना पैसा लगा रहे हैं तो परसेंटेज लाना है, टाइम है आपके पास, पूरा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको लाना है तो लाना है। ओके, तो गाइज ये सब चीज़ें घर में बहुत काम है, मम्मी पापा से बोलो प्लीज़ एक साल का मुझे वक्त दे दो, मुझे एक साल के लिए फ्री छोड़ दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ अच्छे से। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भाई, बाबू सोना जादू टोना, एक साल रुक जाओ, बाद में अपना टोना जादू करना। ठीक है, पहले मुझे 12th का परसेंटेज बना लेने दो, 10th का परसेंटेज बना लेने दो। ठीक, मोबाइल गेम्स हैं तो यार स्किप कर दो ना, एक साल बाद खेल लेना, पूरा 70-80 साल तुम्हारे बचे हैं तो बाद में खेल लेना, परसेंटेज ज़रूरी है अभी। ओके, और गाइज योर परसेंटेज इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड्स जैसे आएंगे ऐसा लगेगा कि तूफान बन के निकलेंगे गाइस, ठीक है, जैसे बोर्ड्स आएगा पूरा एकदम बवंडर लेके आएंगे, तूफान बवंडर बकाल जो भी बोलो भाई। बोर्ड्स स्पेशली ये चैनल ही इसीलिए है कि टारगेट द बोर्ड, बोर्ड जैसे आता है उसी के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने लगता हूँ। तो बेसिकली आप इस चैनल पर डिपेंड हो सकते हो क्योंकि मैं आपका पूरा परसेंटेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। ठीक, उसके बाद से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप पूरा फॉलो कर लेते हैं ये सारी चीज़ें तो आपके 95% आएंगे और बोर्ड तक मतलब इस चैनल को बेसिकली फॉलो कर ले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल पर रहो, ठीक है, मत रहना, बोर्ड जब आएगा तब आ जाना, देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, इस सारे पॉइंट्स को मैं एक बार अच्छे से वो कर देता हूँ, समरी कर देता हूँ। पहला कि आपको सिलेबस का प्रिंट आउट एकदम हार्ड कॉपी में निकाल के रखना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, उसके बाद से सिलेबस का ब्रेकअप करना है डेली बेसिस पे, मंथली वीकली नहीं, अब आपने अकॉर्डिंग कर लेना, अगर आप मंथली वीकली कर सकते हो तो कर लेना, पर डेली बेसिस पे परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बिगिनिंग से ही अभी से ही प्रीवियस चैप्टर वाइज लगाना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर। ओके, फिर अपने खुद के नोट्स बनाओ, अटेंशन सारे सब्जेक्ट पे देना, इंग्लिश फिजिकल कंप्यूटर साइंस और हिंदी को छोड़ना मत, हल्के मत लेना, बहुत परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। रेगुलर रिवीजन, पढ़ना थोड़ा ही लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना। डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं एक साल के लिए खत्म करो, क्योंकि वैक्यूम में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, जितना ज़्यादा खालीपन आपके लाइफ में होगा सक्सेस उतनी तेज़ी से आपके पास आएगा, और जितना भार है सब कुछ रहेगा तो सक्सेस कैसे आएगी, तो वैक्यूम क्रिएट करो। और गाइस 95% 100% आप इजीली ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके और आप स्कोर कर सकते हो। ओके, और गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक मारना, और जितने नए स्टूडेंट हैं जो अभी बोर्ड में जा रहे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। और गाइस मैं जल्दी में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो बढ़िया, तो बेस्ट रिसोर्सेस आपके लिए क्या है, तो गाइस देखो फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स गाइस आपको फिजिक्स वाला अलग सर जो पढ़ाते हैं वहाँ से पढ़ लेना, सब्सक्रिप्शन लेनी है, मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लेना, अदरवाइज प्रीवियस ईयर के भी लेक्चर्स पढ़े हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स वाला सर्च करोगे आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक, दूसरा केमिस्ट्री पढ़नी है तो गाइज आप अरविंद अरोरा केमिस्ट्री के वर्ल्ड बेस्ट टीचर हैं, आप उनसे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ओके, केमिस्ट्री के भगवान है वो। ठीक है, फिजिक्स वाला पे भी जाकर पढ़ सकते हो, पर मैं आपको एकदम एक्सपर्ट फील्ड बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स वाला से फिजिक्स पढ़ लेना, केमिस्ट्री अरविंद अरोरा से पढ़ लेना, और बायो तो मतलब आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर एकदम मस्त पढ़ना है, खून में दौड़ाना है, तो बायो मेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, पर वहाँ पे भी शायद लेक्चर फ्री में नहीं मिल, मतलब सर्च कर लेना शायद मिल जाए, बायो मेंटर्स या बायो आप कहीं भी पढ़ लेना यार, बायो मतलब गीतेन सर एक हैं बायो मेंटर्स पे, बायो मेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन एक सर्च करना, वहाँ पे गीतेन सर हैं, तो बायो अगर वहाँ से पढ़ते हो मतलब फील करा देंगे एकदम कि एक्चुअली बायो क्या होता है। और बेसिकली मेरा भी ऑप्शनल जूलॉजी है, तो मैं भी जुलाई से बायो यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं भी बायो के लिए यहाँ पे इस चैनल पे डिपेंड हो सकता है, क्योंकि मैं बायो का एकदम बेस्ट एंड अनबायस्ड कंटेंट मैं खुद अपने इसी चैनल पे रिलीज़ करूँगा सारे चैप्टर का। और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो जब बोर्ड्स आएगा तो वन शॉट निकालूंगा। ओके, तो गाइज ये सब सारे ये था। और इंग्लिश फिजिकल के लिए गाइज एपीपीडिया एक ऐप है, सॉरी चैनल है, एपीपीडिया एपीपीडिया पे इंग्लिश और फिजिकल का वहाँ पे मतलब वो एक्सपर्ट है,
ठीक है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो एपीपीडिया पे। हाँ, एपीपीडिया के लिए फिजिकल और इंग्लिश वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के लिए आप अपनी कक्षा, अमन धत्रवाल जो है अपनी कक्षा कंप्यूटर साइंस के लिए वहाँ बेस्ट है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें थी। और हिंदी के लिए तो मैं हिंदी मतलब नहीं पढ़ाऊँ, मेरा बोर्ड में नहीं था हिंदी तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये पांच सब्जेक्ट गाइस। और मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आप फिजिक्स वाला पे पढ़ना, बेस्ट टीचर है वहाँ पे। ओके, तो ये कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें बता दिया, कहाँ पढ़ना है, ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से, बाकी गाइस डिपेंड किसी पे मत रहना, खुद करना है, खुद कर फोड़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सी यू, हैव अ गुड डे एंड लव यू मोर देन एनीथिंग। डू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार, मैं नहीं आता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें सच में, अगर ना सीरियस हो 95% तुम्हें लाने हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ताकि सारे बच्चे, सारे फेलियर बच्चे भी एटलीस्ट उनका भी सपना पूरा हो और अच्छे नंबर लेके हैं। ठीक है, एंड लव यू।